रिलेशनशिप के वक्त तो नहीं लेकिन ब्रेकअप के बाद फाइनली सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किया एक्सेप्ट दैट ही एंड आलिया भट्ट वर डेटिंग। कब और कहां किया एक्सेप्ट, आइए आपको दिखाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कॉफी विद करण के खास एपिसोड में न सिर्फ आलिया के साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया बल्कि ब्रेकअप पर भी खुलकर बात की। सिद्धार्थ ने कहा, वी हैवंट मेट आफ्टर इट, आवर रिलेशनशिप इज सिविल, आई डोंट थिंक इट्स बिटर, इट्स बीन अ व्हाइल, आई हैव नोन हर फॉर सो मच लॉन्गर इवन बिफोर वी डेटेड, आई गेव माई फर्स्ट एवर शॉट विद हर इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सो देयर इज सो मच हिस्ट्री। आगे सिद्धार्थ का ये भी कहना था, मे बी देर इज अ रीजन वाई टू पीपल डिसाइड नॉट टू बी टुगेदर, देयर वर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, व्हेन यू टेक योरसेल्फ फ्रॉम अ सिचुएशन यू लुक एट ऑल द हैप्पी एंड गुड मेमोरीज। कॉफी विद करण के इस एपिसोड में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फाइनली एक्सेप्ट किया दैट यस, आलिया भट्ट एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा वर डेटिंग। खैर कुछ सालों पहले जब यू नो दे वर आस्क्ड कि आर यू गाइस डेटिंग, दे वुड ओनली से नथिंग मोर देन गुड फ्रेंड्स एंड यस वी आर को-स्टार्स एंड यस वी आर स्पेशल, बट उन्होंने कभी ये खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया था दैट दे वर डेटिंग। यू नो आई जस्ट लव दिस थिंग अबाउट करण जौहर दैट उनके शो पे जब कोई आता है ना, काफी लोगों की सीक्रेट प्राइवेट लाइफ के बारे में काफी कुछ पता चलता है। फॉर एग्जांपल लाइक इफ सेट जब रिलेशनशिप में थे तब तो कुछ नहीं बोला, ब्रेकअप हो गया तो बता रहे हैं कि उनका कैसा इक्वेशन है, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतनी पार्टीज में यू नो वो लोग जाते हैं सिद्धार्थ सेट, हम उसके बाद कभी मिले ही नहीं। राइट, मे बी ही वाज टॉकिंग अबाउट कि वन ऑन वन नहीं मिले, दैट यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ कॉफी, बट करण जौहर हैज अ नैक टू गेट थिंग्स आउट ऑफ द सेलिब्रिटीज एंड व्हाट आई हैव नोटिस्ड ऑफ लेट इज दैट यू नो दीस सेलिब्रिटीज नाउडेज हैव बिकम रियली स्मार्ट, दे एक्चुअली स्पीक आउट लाउड कि उनके साथ वो रिलेशनशिप में है या नहीं। लाइक विकी कौशल ने अग्री किया कॉफी विद करण में दैट यस ही इज इन अ सीरियस रिलेशनशिप, इट्स न्यू बट इट्स सीरियस। राजकुमार राव इज ओपन अबाउट हिज रिलेशनशिप, वरुण धवन एंड नताशा खुलकर पिक्चर्स लेते हैं, दे विल बी तो लाइक गेटिंग मैरिड वेरी सून, एब्सोल्युटली, एंड रणबीर कपूर एंड आलिया फॉर दैट मैटर। सो नाउडेज पीपल आर वेरी ओपन अबाउट द रिलेशनशिप्स, तो क्या होती है कि स्पेकुलेशंस भी कम हो जाती है कि ओ आर दे डेटिंग आर दे नॉट, देयर आर फ्यू हु चूज टू कीप इट यू नो अप टाइट एंड क्लोज एंड पर्सनल, बट normally you're seeing a lot of celebrities giving couple goals and that is the new change we've seen in Bollywood. And that's the best part because hota kya hai jab celebrities apna relationship bahut zyada chupane ki koshish karte hain, now as a fan people want to know whether they're dating or not, and jab paparazzis unhe follow karte hain uske baad wo gussa ho jate hain, to it's better no aap ek baar aake bata do that yes we are dating, we are seeing each other and everything is sorted, to curiosity nahi rehti and aur zyada invasion nahi rehta. I still remember Ranbir Kapoor ne ek baar kaha tha ki kaise unke ghar के सामने एक पेड़ है जहां पर पीपल क्लाइम द ट्री टू शूट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द हाउस। इनफैक्ट मलाइका अरोड़ा की बिल्डिंग के बाहर पपराजीज थे, तो अर्जुन कपूर वहां पे आए थे दैट यू नो यहां क्यों, तो नाउ इट्स लाइक आपने एक बार बता दिया मीडिया को, यू हैव टोल्ड अबाउट यस यू आर इन रिलेशनशिप और नो, एंड देन द मीडिया स्टॉप्स चेजिंग यू, सो इट्स नाइस टू सी दिस न्यू अंदाज दैट द सेलिब्रिटीज आर हैविंग दैट दे कमिंग आउट एंड स्पीकिंग आउट लाउड कि क्या वो रिलेशनशिप में है या नहीं।